हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। लाखों करोड़ों लोग वहां से धकेल दिए गए। कोई आदमी अपना देश वैसे ही नहीं छोड़ता है, देश छोड़िए जनाब, गांव नहीं छोड़ता है। कितने प्रताड़ित हुए होंगे, कितने दुखी हुए होंगे, कितने अपमानित हुए होंगे, तब जाकर वो देश छोड़कर यहां शरण में आए। और इतने सालों से उनको न मताधिकार है, न उनको शादी का अधिकार है, न उनको सरकारी नौकरी का अधिकार है, न घर खरीदने का अधिकार है, न शिक्षा का अधिकार है, न स्वास्थ्य का अधिकार है। माननीय लाखों करोड़ों लोग नरक की यातना के अंदर जी रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये बिल आने के बाद उनको सम्मान मिलेगा, उनको अधिकार मिलेगा। और इसमें किसी का कोई अधिकार हम नहीं छीन रहे। मैं बाद में इस विषय पर आऊंगा, आप सबकी बात सुनने के बाद जब मैं जवाब दूंगा तब एक एक चीज का जवाब दूंगा। मगर मेरा सभी पक्ष और विपक्ष से, सभी सांसद महोदयों से एक आग्रह भरा विनंती है कि चर्चा को शांति से सुने और चर्चा में शांति से हिस्सा लें। जब कोई खड़ा होता है अपने विचार के अनुकूल नहीं बोलता है तो टोका टोकी करना, बिठा देना, मैं नहीं मानता, ये महान सदन की गरिमा के अनुरूप है। सुबह मैंने शांति से आप सबको सुना, जब मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ बीच बीच में खड़े हो जाते थे, भैया मुझे भी तो सुनो, मैं भी तो सांसद हूं, 18 लाख लोगों ने मुझे भी चुनकर भेजा है, ऐसा कैसे चलेगा कि आप मुझे नहीं सुनोगे। तो मेरा सबसे निवेदन है कि हम चर्चा के अंदर जो हिस्सा ले वो सदन की गरिमा के आधार पर ले। माननीय, हमने ये बात सही है कि विविधता में एकता ही हमारा सबसे ज्यादा बड़ा स्ट्रांग देश को एक रखने का मंत्र है। सहिष्णुता हमारा गुण है। माननीय, कभी भी इस देश ने सीमाओं को लांघकर कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया। 10,000 साल का इतिहास है माननीय, यहां से सेना कभी हमारी इसके बाहर नहीं गई। सहिष्णुता हमारा गुण, बदलाव को हमने खुलेपन से स्वीकार किया है माननीय, ये इसी कारण ये देश इतनी सदियों से चला है। बदलाव को हम स्वीकार करते हैं, बदलाव को समाहित करते हैं अपनी संस्कृति के अंदर और संस्कृति की यात्रा को और आगे ले जाते हैं। माननीय, सामूहिक चित्त और मानस हमारी संस्कृति का अविभाज्य हिस्सा है माननीय, और ये बिल उसी को परिव्याख्यायित करने वाला बिल है माननीय। मित्रों, माननीय, मैं फिर से एक बार कहता हूं कि 15 अगस्त 1947 को आजादी को बाद हमारी संविधान सभा ने पंथ निरपेक्ष राज्य के जो स्वीकार किया, इसका भारतीय जनता पार्टी और हम सब साथी दल हृदय से सम्मान भी करते हैं, इसको स्वीकार भी करते हैं और उसको आगे ले जाने के लिए हम लालायित भी हैं। हम सब पंथ निरपेक्षता को स्वीकार करते हैं, किसी धर्म के आधार पर, पंथ के आधार पर किसी के साथ किसी भी प्रकार की इसके साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, इसके अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। संविधान की ये स्पिरिट को माननीय हम स्वीकार कर रहे हैं। और माननीय, मगर किसी भी सरकार का ये तो कर्तव्य है कि देश की सीमाओं की सुरक्षा करे, देश के अंदर आते हुए घुसपैठियों को रोके, शरणार्थियों और घुसपैठियों की अलग अलग पहचान करे, ये भी तो राज्य का कर्तव्य है, वरना क्या ये देश सबके लिए खुला छोड़ देंगे। जो बात करते हैं मैं उनको पूछना चाहता हूं माननीय, कौन सा देश ऐसा है जिसने नागरिकों को नागरिकता, तो बाहर के लोगों को नागरिकता का अधिकार देने के लिए कानून नहीं बनाया है? दुनिया में कोई ऐसा देश भला हो सकता है क्या? कोई नहीं हो सकता माननीय। लिबरल से लिबरल देश अपना कानून बनाया, हमने भी बनाया है माननीय, और हमने इसीलिए संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया है। और एकल नागरिकता के प्रावधान को अनुच्छेद 5(11) में इसका प्रावधान किया है माननीय। आज जो मैं बिल लेकर आया हूं, सुबह इसको सदन में रखने के पहले ढेर सारे सदस्यों ने इसका विरोध किया कि हम ऐसा नहीं कर सकते। आर्टिकल 14 का वायोलेशन होता है,
मान्यवर, इस देश में बहुत बार ऐसा हुआ है, मैं बताना चाहता हूं, और जो लोग आज विरोध कर रहे हैं उनके शासन के समय में ही हुआ है, उन्होंने ही किया है। शायद अपनी सरकारों के कामों को ढंग से पढ़ लेते तो शायद न बोलते। मैं आपको बताता हूं, सन 47 में जितने भी शरणार्थी आए सबको भारत के संविधान ने स्वीकार कर लिया, स्वीकार करा है हमने, हर जगह पे रहते। शायद हिंदुस्तान का कोई गांव ऐसा होगा जहां पूर्व और पश्चिम पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी न रहते हो। कई लोग इस देश में बड़े बड़े पद पर बैठे, मनमोहन सिंह जी भी उसी कैटेगरी में आते हैं, श्री लालकृष्ण आडवाणी भी उसी कैटेगरी में आते हैं। मान्यवर, हमने स्वीकार किया था, उनको नागरिकता दी थी, तभी तो वो देश के उप प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री बन पाए, बड़े बड़े उद्योगपति बने, इस देश की विकास की यात्रा में अपना योगदान दिया, इस देश की विकास की यात्रा को आगे बढ़ाए। इसके बाद में 59 में दंडकारण्य योजना आई, या महाचार साहब बैठे हैं जो अभ्यास करते हैं उनको मालूम होगा क्या थी दंडकारण्य योजना, ये भी शरणार्थियों को नागरिकता देने का था। 71 की लड़ाई के बाद जब इंदिरा जी ने बहुत राइटली इंटरवीन कर बांग्लादेश की रचना करी, रचना करने में भारत की सेना ने सहायता की क्योंकि वहां बहुत प्रताड़ना हो रही, और बांग्लादेश की रचना के बाद 71 तक के सारे शरणार्थी जो आए थे उनको यहां शरण भी दी गई, नागरिकता भी दी गई। मान्यवर, किसी ने विरोध नहीं किया, हमारी पार्टी ने भी विरोध नहीं किया, इस देश की करोड़ों की जनता ने 5 पैसे का बांग्लादेश का एक अलग टिकट सालों तक लगाया है मान्यवर, उनके निर्वहन के लिए, इसके बजट का जो उसका बोझ आता था उसके निर्वहन के लिए 5 पैसे का एक अलग टिकट हम पोस्ट पर लगाते थे, आप सभी को याद होगा। उसके बाद युगांडा में इदी अमीन का शासन आया, भारतीयों को निकाल दे गए, फिर से सामूहिकता से नागरिकता दी गई। लंका क्राइसिस में भी काफी सारे भारतीय जो वहां गए थे उनको नागरिकता दे दी गई। 1985 में आसाम एकॉर्ड हुआ, राजीव गांधी और आसाम के छात्र नेताओं के बीच में हुआ, उसमें फिर से 71 तक आसाम में जितने भी लोग थे सबको नागरिकता दे दी गई, और उस वक्त किसी ने विरोध नहीं किया, हमने भी नहीं किया था क्योंकि हम समझते थे कि समय की जरूरियात है और हमारे देश के जो लोग हैं वो कहां जाएंगे, हमने विरोध नहीं किया। और आज जब हम बिल लेकर आए हैं तो कृपया इसको राजनीतिक पार्टी के आधार पर मत देखिए, जो करोड़ों नागरिक आ रहे हैं आ गए हैं यहां पर करोड़ों है, जो नर्क की यातना में जी रहे हैं। मैं बंगाल के सभी सांसदों को तो विशेष रूप से कहना चाहता हूं, वो भी इस डिबेट को देखते हैं, उनको भी आशा है आपसे कि आप उनकी नागरिकता का समर्थन करोगे। वो लोग भी चाहते हैं कि आप उनको अधिकार जो मिल रहा है उसमें रोड़ा न डालो। और मैं कांग्रेस के मित्रों को भी कहता हूं कि आप चर्चा के अंदर ये साबित कर दीजिए कि बिल किसी के साथ भेदभाव करता है तो मैं यहां से बिल लेकर वापिस चला जाऊंगा, मगर ये बिल किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, किसी को अधिकार देने का बिल है, किसी का अधिकार छीनने का बिल है, किसी का अधिकार नहीं छीना जाता। और ये बिल के अंदर हमने जो व्यवस्था की है ये व्यवस्था में थोड़ा फिर से एक बार बताना चाहता हूं, ये विधेयक हमारे 3 पड़ोसी देश जिनसे हमारी जमीनी सीमा छूती है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध और ईसाई समुदाय के ऐसे प्रवासियों के लिए भारतीय नागरिकता का रास्ता खोलता है जो धर्म के आधार पर अपने देश में प्रताड़ित हुए हैं। वो धर्म के आधार पर मान्यवर प्रताड़ित हुए, उनके पास भाग कर आए हैं, या तो यात्रा का दस्तावेज ही नहीं है,